अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के जागृति विहार में सर्राफ पुत्र की हत्या व लूट की घटना अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि बीती रात मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने विष्णु ज्वेलर्स के घर व दुकान में घुसकर डाका डाल दिया। हथियारों के बल पर बदमाशों ने परिजनों को बंधक बना लिया और करीब 3 घंटे तक वहां डकैती को अंजाम देते रहे। बदमाश पुलिस SOG बताकर घर में घुसे थे और इसके बाद ही वे अपने असली रूप में सामने आए। बदमाशों की तलाश में टीम लगा दी गई है। दरअसल तेजपाल वर्मा की शासी नगर एल ब्लॉक में विष्णु ज्वेलर्स नामक शॉप है। इस शॉप के ऊपर वे परिवार के साथ रहते हैं। बीती रात करीब 3 बजे बदमाश छत की तरफ से घर में दाखिल हुए। उन्होंने खुद को गाजियाबाद SOG टीम खुद को बताया। आइए पहले सुनते हैं पीड़ित परिवार की कहानी उन्हीं की जुबानी। डकैती पड़ गई है, हमारी ज्वेलरी की दुकान भी है घर के अंदर, मतलब तो ये बदमाश जैसा पुलिस वालों के साथ जाके अब देखा है हमने ऊपर, ये ऊपर से जीने का गेट तोड़ के आए और नीचे भी इन्होंने गेट तोड़ा है। पहले इन्होंने पापा को बंधक बनाया क्योंकि वो ऊपर 2nd मंजिल पर सो रहे थे, 1st मंजिल पर फिर ये हमारे पास आए। इन्होंने कहा है कि हम क्राइम ब्रांच वाले हैं, गाजियाबाद से आए, छापा है आपके यहाँ कोई सुमित डकैत है। उन्होंने मेरे पे पिस्टल तान के खड़े हो जाओ, उसके बाद उन्होंने कहा अपने मोबाइल हमें कब्जे में दे दो, गेट की चाबी बताओ, गेट से ले जाएंगे। कितने लोग थे और कितने की डकैती पड़ी आपके यहाँ पे? ये 4-5 6 5-6 लोग हो सकते हैं, 5-6 तो हैं। अच्छा। और क्या नाम है, 500-550 ग्राम सोना और क्या नाम है कैश भी है 10-11 लाख रुपए का, और ये चांदी जो काउंटर में जो चांदी भर रही थी सेट पैट वो सब ले गए वो, और मारपीट भी करी है उन्होंने, और जो उनके हाथ में ले गया अभी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है क्योंकि टीम आई हुई है, उसके बाद ही अंदाजा पता चलेगा। कितने लोग थे तकरीबन, कितने लोगों का? ये 4-5-6 लोग थे। हथियार भी थे उनके पास? हाँ हथियार थे। किस टाइम की घटना थी ये? 2:30 बजे, 2 से 2:30 बजे के बीच में उन्होंने एंट्री करी। 3 घंटे रहे वो घर पे, कम से कम 3 घंटे। ऊपर से आते देखे भैया मैंने, यहाँ जीने में से यहाँ से दिखे है ना, तो मैं जैसे उठी तो वो ऐसी बारीक सी टॉर्च ले रखी है उन्होंने, तो मैंने इसके पापा समझे, मैंने सोची ये आ रहे हैं, मैं क्यों क्या होगा, आवाज़ की तो खुटपुट सी आई जब उन्होंने ये खोली होगी किवाड़, मैं क्या होगा बाहर कुछ होगा, मैंने कह रही इतने तो उन्होंने आके हमें दबोच लिया। कहने लगे कि हम जो है यहाँ तो हमारे पास 2 या 3 आए, 4 देखे मैंने तो, और बाहर होंगे अगर हुए तो, पर हमने 4 देखे। आके कहने लगे हम वहाँ गाजियाबाद ब्रांच बता रहे ऐसे कुछ वो हैं, अब तो चलो यू फाड़ा ये यहाँ रखा कुर्ता मेरा ये फाड़ा, और इस लड़का के हाथ बांधे पीछे नु करके नु हाथ बांध दिए पीछे, अनु चल ऊपर चल, तीनों को एक ही कमरा में बंद कर दो। तीन घंटा करीब। हाँ करीबन होएगा 400-500 अंदाज बता रही हूँ मैं तो, सोना होएगा जो है 10-12 लाख रुपया। हाँ तो तुम आप लोग कैसे हुए? हमें तो ऊपर ले गए ना वो पिस्टल दिखा के, बाद में तो हमें तो खोल रखा मेरे को ना बांधा, फिर हमने वो कपिल का ये कपड़ा वपड़ा जो बना वो खोल के कपिल लरिया के पापा ने नुक्कीवाड़ को ये वाली बीच वाली खोली हल्की सी लग रही होंगी तो खुल गई हम पे। फिर हमने बरबर वाली इनसे कही कि हमारे मोबाइल वोबाइल सब ले गए तो सूचना कर दो पुलिस को। कितने बजे दाखिल हुए थे? वो ऐसे होंगे 2:30 या 3:45 बज रहे होंगे, 6:45 के करीब निकले होंगे। इस बारे में SPCT अखिलेश नारायण सिंह ने यह जानकारी दी। तेजपाल सिंह है जिनका ज्वेलरी का काम है, 4 महीने पहले इनको उन्होंने अपने दुकान को बंद करके वहाँ के ज्वेलरी के साथ को अपने मकान में बाहर स्थित एक कमरे में स्थापित कर दिया। 3-4 महीने से वहीं काम कर रहे थे। इनका बताना है, मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि रात में करीब 4 बदमाश थे जिन्होंने इनको असहाय के दम पर धमकाया और इनके यहाँ काफ़ी धमाला कुछ और सेफ नहीं खोल पाए हैं। मौखिक तौर पर इनके द्वारा बताया गया है कि 10 से 11 लाख रुपये और घर की जो महिलाओं के पारिवारिक ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी ले गए हैं, सेफ नहीं खोल पाए हैं। ज्वेलरी का डिटेल इनके द्वारा पृथक से जब पहले दिया जाएगा तब प्रस्तुत किया जाएगा। सारे तत्वों की छानबीन करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है और इस पर
कार्रवाई करते हुए शीघ्र अनावरण का सम्यक प्रयास किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।